शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत को लेकर कहा, जब वो खुद बचपन के दौर से निकल रही थी तो उनके दो बच्चे हो गए। बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर और मीरा राजपूत कपूर की शादी को करीब 4 साल हो गए हैं। शाहिद और मीरा आज दो बच्चों मीशा कपूर और जैन कपूर के माता पिता भी बन चुके हैं। दोनों की केमिस्ट्री भी शानदार है। अक्सर पार्टियों में और डिनर वगैरह पर ये जोड़ी एक साथ देखी जाती है। दोनों के रिश्ते की खास बात यह है कि एक तरफ शाहिद जहां फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, तो वहीं दूसरी ओर मीरा राजपूत का इस इंडस्ट्री से कोई नाता नहीं रहा है। शाहिद कपूर ने फिल्म एयर से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी मीरा राजपूत को लेकर कई बातें साझा की। उन्होंने कहा, किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हर चीज सेट है। जब आप इस बात को मान लेते हैं कि सब कुछ ऑटो पायलट पर है, तभी सब कुछ गिर जाता है। आपको हर दिन और हर चीज पर काम करना होता है, चाहे वो शादी हो, बच्चों की परवरिश करना हो, करियर हो, या यहाँ तक कि अपने माता पिता से आपके रिश्ते ही क्यों न हो। शाहिद कपूर ने कहा, मुझे इन सब से संघर्ष करना पड़ा। मुझे अपनी दोस्ती बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बरकरार रखने में बहुत खराब रहा हूँ। मुझे अपनी पत्नी, बच्चों और काम में वक्त बांटने में भी स्ट्रगल करना पड़ा। मेरी पत्नी को लगता था कि वो मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं इस बात के लिए खुद को गुनहगार समझ रहा था कि मैं खुद को ही वक्त नहीं दे पा रहा था। मैंने अपने परिवार से कई बार कहा कि आप लोग मुझे कुछ काम भी करने दीजिए। शाहिद कपूर ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे मीरा राजपूत ने बेहद कम उम्र में उनसे शादी की और सब कुछ संभाला। उन्होंने कहा, शादी एक किताब की तरह है। मीरा मेरी सबसे बड़ी हकीकत है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी साथ में गुजार रहे हैं। पिछले 4 सालों से वो लगातार कहती हैं, शाहिद जब तुम्हारी फिल्म नहीं चलती है तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये हो क्या रहा है। मैं भी पिछले 4 साल से इस संघर्ष का हिस्सा रही हूँ। मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे वक्त में साथ रही हूँ। अब मैं जानती हूँ ये एक साझेदारी है, इसमें साथ में कुछ हासिल करने की भावना है। उनकी बेहद कम उम्र में शादी हो गई थी। शाहिद ने बातचीत के दौरान ये भी कहा कि जब मीरा अपने बचपन के दौर से खुद ही निकल रही थी तो उनकी शादी हो गई और दो बच्चे भी। उन्हें इन सब से कैसे निपटना है उससे भी जूझना पड़ा। उन्होंने कहा, उनके भी अपने सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे, लेकिन उन्होंने उन सभी को साइड में रख दिया।